अस्सलामुअलैकुम। लास्ट वीडियो में भी मैंने थ्री इडियट्स के बारे में कुछ बातें डिस्कस करी थी, तो इस वीडियो को भी वहीं से कंटिन्यू करते हैं। कुछ बातें इस तरह हैं कि एजुकेशन सिस्टम के हवाले से हैं। थ्री इडियट्स में मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम ये चेंज होना चाहिए। मेरा भी ये व्यू है। चेंज से मुराद यानी कि बिल्कुल ही इसको चेंज कर दें और बिल्कुल ही स्टार्ट टू एंड हम इसको बिल्कुल ही चेंज कर दें, इस तरह नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो स्टूडेंट होता है वो बेसिकली इसलिए पढ़ता है कि उसको पास होना होता है, उसको अच्छे मार्क्स लाने होते हैं, उसको जो है मतलब एक अच्छे मार्क्स के साथ डिग्री लेनी होती है, ताकि आपको कहीं अच्छी जगह पे आप डिग्री वो शो करें तो आपको जॉब मिल जाए या आपको आगे एजुकेशन अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए या अच्छी जगह पे आप चले जाएं। लेकिन ये तरीका बिल्कुल गलत है, बिल्कुल रॉन्ग है। मतलब मैं इसको नहीं समझता कि ये तरीका इस तरह से होना चाहिए। हमें जो यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे या कॉलेजेस लेवल पे या स्कूल लेवल्स पे किसी भी लेवल पे एजुकेशन अगर हम हासिल कर रहे हैं तो हमारा थ्योरेटिकल जो है फोकस होना चाहिए, लेकिन हमें प्रैक्टिकली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। अगर हम अपने आप की जजमेंट को नहीं देखेंगे कि क्या करना है हमें, हम सिर्फ रटते ही जाएंगे। एक स्टूडेंट है वो सिर्फ शुरू से एंड तक रट रहा है, उसके कॉन्सेप्ट तो क्लियर हैं लेकिन वो रट रहा है शुरू से एंड तक। उसको बस ये पता है कि यहाँ से यहाँ तक लिखना है मुझे और इतना टाइम ड्यूरेशन होगा, इसमें मुझे ये याद करके और ये चीज़ लिखनी है, लेकिन उसको यूटिलाइज वो किस तरह करे ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये उस थ्योरी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उस चीज़ की एप्लीकेशन क्या होगी। जो मैंने काफ़ी अगर आप लोगों ने सर्च करी हो बुक्स वगैरह, अगर आप बाहर के एजुकेशन सिस्टम्स की बुक लें और उसको देखें तो उसके अंदर काफ़ी चीज़ें आप नोट करेंगे कि किस तरह से और यहाँ की बुक्स में और वहाँ की बुक्स में कितना डिफरेंस है। यहाँ की अगर आप कोई बुक उठाते हैं, आप इंटर लेवल की एक बुक उठा लें, केमिस्ट्री की बुक उठा लें, तो आपको बुक देख के इस तरह लगेगा कि यार ये बच्चे के अंदर किस तरह से इंटरेस्ट डेवलप करेगी इस बुक के। आप उसकी प्रेजेंस, मैं सिर्फ अभी और ज़्यादा बात ही नहीं कर रहा हूँ, उसकी आप प्रेजेंस देखें। और मैं नहीं समझता कि और बुक के अंदर इतने इतने चैप्टर्स हैं तमाम चीज़ें, मैं कहता हूँ कि आप लिमिटेड पढ़ाएं, लेकिन उसको उसकी एप्लीकेशन के साथ उसके प्रैक्टिकल के साथ पढ़ाएं तो वो सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो फोकस करने की ज़रूरत है हमें वो इसी पर है कि आगे जाके जब बच्चा पास आउट होगा, जब चीज़ें वो फिर हम जिस लेवल पे आएंगे, अगर हम प्रैक्टिकली पढ़ के जिस लेवल पे आएंगे वो हम डेवलपमेंट की तरफ आएंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम जॉब ढूंढ रहे हों, या फिर लोगों के माइंड क्रिएट होंगे कि हम इस चीज़ को इस तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं, इस चीज़ को हम इस तरह से बना सकते हैं, हम साइंटिस्ट लोग बनेंगे या लोग बहुत ज़्यादा इंजीनियर्स बनेंगे तो लोग इस तरफ आएंगे। तो इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि हमें करने के लिए मतलब हमें थोड़ा सा चाहिए कि एजुकेशन सिस्टम हमारा जो है वो थोड़ा सा और डेवलप हो। या आप लोगों ने शायद अगर विज़िट किया हो तो बहुत सारी ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आपको पढ़ाती हैं, ठीक है। वो अपनी एक कोर्स आउटलाइन देती हैं और उनका तरीक़ेकार ये होता है कि आपको प्रैक्टिकली एक वर्कआउट करना होता है, उस वर्कआउट को आप सबमिट जब कराते हैं उस पर रिव्यू होता है, उसके बाद आपको उसका रिज़ल्ट मिलता है। तो इस तरह की भी यूनिवर्सिटीज़ हैं और भी मुख्तलिफ एजुकेशन के तरीक़े हैं जो कि अभी आजकल के दौर में चल रहे हैं। तो हमें थोड़ा सा अपने आप को एक लेवल ऊपर लाने की ज़रूरत है या कुछ चेंजिंग्स की ज़रूरत है, ताकि हमारे जो आगे ये जो स्टूडेंट्स हैं जब ये पास आउट हों तो हमें एक और ज़्यादा पोटेंशियल मिले और ज़्यादा हम उसको इंक्रीज़ कर सकें, उनके इंटरेस्ट को और ज़्यादा उनके लिए आसानियाँ पैदा कर सकें।
तो इस चीज़ की ज़रूरत है। और हम एजुकेशन लेवल पे और भी बात करेंगे। पाकिस्तान में भी बहुत सारे काम इस लेवल पे हो रहे हैं, कुछ लोग इस पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। आने वाले कुछ सालों में एजुकेशन को चेंज तरह से आप देखेंगे इंशाल्लाह। तो यही एक बहुत ज़्यादा मेन फोकस इस पे भी रहा है थ्री इडियट्स मूवी के अंदर। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ मिलूँगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।